पैसठ विद केटीएन न्यूज़ आहियां लैला निसार। नाज़रीन मुल्की सियासी ऐं मुआशी हाल हवालन सां तव्हां ज़रूर वाक़िफ़ हूंदा त छा हले पियो ऐं रोज़ाना तव्हांखे इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ टी वी चैनल्स हुजनि या पहिरीं केटीएन न्यूज़ जी ॻाल्हि कयूं त तव्हांखे बाक़ाइदा अपडेट्स तव्हां ताईं पहुचंदा त छा हले थो ऐं छा न। पर उन सां गॾोगॾु असांजा कुझु समाजी मसला अहिड़ा आहिनि नाज़रीन जेके ख़तमु थियण जो नालो ई न पिया विझनि। हर साल असीं ॾिसूं था त उन्हनि समाजी मसलनि मां, ख़ैर तव्हांखे क्लियर बि करे ॿुधायां थी त मां कहिड़े समाजी मसले जी ॻाल्हि करे रही आहियां। जिन्सी ॾाढाई जा वाक़िया नाज़रीन तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि ऐं गॾोगॾु हिक ॿिए खे हिरासा करण जा, हरेसमेंट जा वाक़िया जेके आहिनि उहे बि तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि। ऐं तव्हां सां कुझु नंबर्स शेयर कंदसि। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स कुझु नंबर्स कंपाइल कया आहिनि। गुज़िरियल चार सालनि में 14,000 खां वधीक जा वाक़िया जेके आहिनि उहे पेश अची चुका आहिनि, रिपोर्ट थिया आहिनि उन्हनि जो जेको आहे वाक़िए थियो आहे। सो ही आख़िर छो थिए पियो? असीं, तव्हांखे यादि हूंदो त असां कंज़ेकेटिवली इन शइ ते, इन मौज़ूअ ते प्रोग्राम्स कंदा आयासीं, पंहिंजा प्रॉपर असां इन ते पैनल बि ठाहियोसीं जंहिंमें कानूनदान बि शामिलु हुया। तव्हांखे यादि हूंदो हिन वक़्त बि असां सां उहे कानूनदान शामिलु आहिनि, उहे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बि शामिलु आहिनि। त आख़िर किथे मसलो आहे? छो असांजूं नियाणियूं जेके आहिनि उहे ग़ैर महफ़ूज़ आहिनि? छो उहे राति जो या कहिड़े बि वक़्तु घर खां ॿाहिरि कंहिं मक़सद जे लाइ अगरि निकिरनि थियूं, को सौदो सल वठण जे लाइ, त छा उहे आज़ादी सां नथियूं निकिरी सघनि? पर हाणे त शायदि अफ़सोस सां असांजा जेके मर्द हज़रात आहिनि, जेकॾहिं मखसूस तौर ते हिकु शहर कराची जी ॻाल्हि कयूं, त उहे बि सेफली निकिरी कोन सघनि पिया। स्ट्रीट क्राइम जो केतिरो ख़र्चो वधी वियो? बहरहाल, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक, उहो हिकिड़ो अलहदा मौज़ू आहे स्ट्रीट क्राइम वारो। असां ते ॻाल्हाईंदासीं त जा वाक़िया असांजूं नियाणियूं महफ़ूज़ कॾहिं फील कंदियूं, कॾहिं महसूसु कंदियूं पंहिंजो पाण खे हिन समाज में, ऐं कंहिंजी ग़लती आहे हिते, ग़लती कंहिंजी अचे पई? पंहिंजे पैनल जो तव्हां सां तारुफ़ा कराईंदी हलां पई। मूंखे स्टूडियोज़ में जॉइन कयो आहे मेहर खुर्शीद साहिबा, जेके ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि ऐं गॾोगॾु मीडिया एनालिस्ट आहे। मेहर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक़्त निकाला इस अहम मौज़ू पर बात करने के लिए। ऐं गॾोगॾु मूंखे जॉइन कयो आहे स्टूडियोज़ में ज़मीर हुसैन ज़ैन साहब, जेके एडवोकेट आहिनि ऐं गॾोगॾु एनालिस्ट भी आहिनि ऐं तमामु घणो एक्टिव तव्हांखे हूअं ई नज़र ईंदा आहिनि असांजे केटीएन न्यूज़ जे प्रोग्राम्स में। ज़मीर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी त तव्हां टाइम करियो। ऐं टे तरफ़ मूंखे जॉइन कयो आहे वीडियो लिंक जे ज़रिए मारवी अवान साहिबा, जेके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर जूं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि। मारवी, तव्हांखे यकीन तमामु घणो एक्टिव नज़र ईंदियूं आहिनि जॾहिं बि जिन्सी ॾाढाई जा या हरेसमेंट जा वाक़िया थियनि था। मारवी, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द शो। तव्हांजी बि वॾी महिरबानी त तव्हां टाइम कढियो। सो नाज़रीन, शुरूआति जी तव्हां सभिनी महिमाननि सां जी इजाज़त खां ऐं जेकी शुरूआति आहे उहा मेहर साहिबा खां करणु चाहींदसि। मेहर साहिबा खां असीं कंदासीं ऐं पोइ कानून जी तरफ़ ऐं ह्यूमन राइट्स में असां वधीक हिन शइ ते ॻाल्हाईंदासीं। मेहर, हर साल जैसे मैंने एक नंबर भी कोट किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का कि 14,000 से ज़्यादा जो है के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और कुछ मीडिया चैनल्स के मुताबिक जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है 21,000 का ज़्यादा नंबर बता रहे हैं। और ये एक ऐसा मौजू है, बड़ा सेंसिटिव है, लाइक वी हैव दिस, हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन अमूमन खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली जब ऐसा वाकया किसी घर में कहीं पे किसी की बच्ची के साथ पेश आता है तो एक कोहराम वाली सूरत हो जाती है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत इस पर हिम्मत चाहिए बात करने के लिए जिसके साथ ये पेश आ रहा है। तो आप क्या कहेंगी, क्यों बढ़ रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ हज़ारों के वाकया? 2022 में 2000 का नंबर है, क्यों हो रहा है ये सब, आप बताइएगा प्लीज़ इस पर। आई थिंक कि ये हमेशा से ही के केसेस होते रहे हैं, बस अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि अब मेरे ख्याल से ज़्यादा ख़वातीन को हिम्मत मिल रही है कि वो आगे बढ़ें, उनकी फैमिलीज़ भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मेरे ख्याल से ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को छुपा नहीं रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ गलत किया है, वो आके लड़ेंगे उनके लिए और वो कहेंगे कि नहीं, आप मेरी बच्ची को वो इंसाफ दें। तो आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिल रही है लोगों को कि वो इस चीज़ को रिपोर्ट करें, और बिकॉज़ ये रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास अब जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो ये हैं कि समा इंग्लिश ने रिपोर्ट किया था ये कि हर 2 घंटे एक खातून होती है इस मुल्क में। तो ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं, हर 2 घंटे छोटा नंबर नहीं है। हाँ, ये छोटा नंबर नहीं है। तो आई थिंक ये इसलिए क्योंकि हम लोग खुद आके बढ़ रहे हैं कि हमारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है और हम उसके लिए इंसाफ़ी चाहते हैं।
सही है, तो मेरे ख्याल से बढ़ नहीं रहे, रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, बढ़ नहीं रहे, रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। मारवी तव्हां जी तरफ़ अचणु चाहींदसि, जीअं महर चवे पई त वधनि नथा, रिपोर्ट जेको आहे तमामु घणो थियनि था, पर हीउ ॾाढो सेंसिटिव इशूज़ आहिनि जिन्सी ॾाढाई जा, त हीउ तव्हांजे मुताबिक़ छो एतिरो वधनि पिया? ऐं असांखे बि जॾहिं जॾहिं मौक़ो मिलंदो असां प्रोग्राम्स कंदा रहंदासीं जेसिताईं समाजी इशू असांजे समाज मां बाक़ाइदा तौर ते ख़तमु न पियो थी वञे, ऐं तव्हां सां असां खोड़ इन मौज़ू ते या ज़मीर साहब सां खोड़ असां अहिड़ा प्रोग्राम्स कयनि, त आख़िर छो हीउ नंबर जेको आहे तेज़ी सां रिपोर्ट थिए पियो? लैला, मां सभिनी खां पहिरीं त तव्हांखे, तव्हांजे प्रोग्राम खे ऐं केटीएन जी समूरी टीम खे तमामु घणो एप्रिशिएट करणु चाहींदमि, जो इन टॉपिक्स ते ॻाल्हाइण ऐं प्रोग्राम करण ही वॾी हिमत जो कमु आहे, ऐं तव्हां प्लीज़ हिनखे कंटिन्यू रखो, हिन सफ़र में असां तव्हां सां गॾु आहियूं। जिते असां इहा ॻाल्हि था कयूं के केसिस रिपोर्ट थियण जी, त मुंहिंजे असांजी ऑब्ज़रवेशन जे मुताबिक़, असांजी स्टडी जे मुताबिक़, असां जेके केसिस रिसीव था कयूं वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स में, पुलिस जेके रिसीव थी करे, उन जे मुताबिक़ मां तव्हांखे इहो ॿुधाइण थी चाहियां कि रेप जा केसिस जेतिरा थियनि था ओतिरा रिपोर्ट नथा थियनि। उन जो रीज़न इहो आहे कि जॾहिं असां ॾिसूं था कि कहिड़ी नौईयत जा केसिस रिपोर्ट था थियनि, त उन में घणो करे असां वटि इहो थो अचे कि जेके सर्वाइव नथियूं करे सघनि, जिन्हनि करण खां पोइ मर्डर थो कयो वञे, मारे थो छॾियो वञे, उन्हनि जी डेड बॉडीज़ मिलनि थियूं, त पोइ असांखे मेडिकल रिपोर्ट ॿुधाए थी कि अच्छा बि हुआ था। उन खां पोइ सेकेंड, जॾहिं ॿारनि सां थिए थो, त ॿारनि जो सां जेकी कैटेगरी में थिए थो, उहो पोइ बि रिपोर्ट थो थी वञे, लेकिन नौजवान छोकिरियुनि सां जेके थियनि था, उहे अञा बि उहा रिपोर्ट नथा थियनि जीअं रिपोर्ट थियणु खपनि। उन जे पुठियां तमामु घणा रीज़न्स आहिनि। सभिनी खां पहिरीं रीज़न त असांजी सोसाइटी में हिकिड़ो जेको हिकिड़ो नॉर्म क्रिएट थियल आहे कि औरत जी ऑनर ऐं उनजो इज़त ई उनजी ज़िंदगी हूंदी आहे। त जॾहिं का औरत ईअं कंहिं एक्सपीरियंस करे थी कोई जहिड़ो वाक़ियो, त हू उहा हिमत नथी रखे दुनिया खे ॿुधाइण जी या अॻिते अचण जी या पंहिंजे लाइ इंसाफ़ घुरण जी। फैमिलीज़ घणो करे सपोर्ट नथियूं कनि, बल्कि हालत इहा अथव कि रिपोर्ट थींदा आहिनि ऐं अधु में हू केस खे छॾे करे बैक ऑफ थी वेंदा आहिनि, या जेकी पार्टी हूंदी आहे अगरि उहा घणी इंफ्लुएंशियल हूंदी आहे त आउट ऑफ द कोर्ट या त उन्हनि खे थ्रेट्स ॾींदा आहिनि, या त प्रेशर्स ॾींदा आहिनि, या त का बि डिफरेंट उन्हनि जी मजबूरी जो फ़ाइदो खणी का पैसा ॾेई करे पंहिंजी जान छॾाईंदा आहिनि। उन खां पोइ असां ॾिसूं था विक्टम ब्लेमिंग तमामु घणी आहे। अगरि जेकी हिकिड़ी असां वटि विक्टम आहे, उनजी असांजा जेके इदारा आहिनि प्रॉपर तरीक़े सां उन्हनि जी नाले जी, उनजी जेकी शनाख़्त आहे, उनखे लॉ बि चवे थो लॉ के न उनजो नालो किथे वरितो वञे, न उनजी तस्वीर किथे ॾेखारी वञे, लेकिन सम हाओ सोशल मीडिया जे ज़रिए या कंहिं बि ऑफिसर जी कंहिं बि लापरवाही जे ज़रिए या फैमिली जी तरफ़ां या किथां बि अगरि उहा तस्वीर या काशे निकिरी थी वञे, उन खां पोइ उन छोकिरी जे लाइ तमामु घणो ॾुखियो थो थी वञे, उनजी पूरी फैमिली जे लाइ उन केस खे वधीक परस्यू करणु, पोइ ॿियूं जेके विक्टम्स आहिनि उहे इन तरह जी विक्टम ब्लेमिंग एंड प्रैक्टिसिस खे ॾिसी करे अॻिते नथियूं वधनि। त मुंहिंजे हिसाब सां केसिस जेतिरा थियनि पिया ओतिरा रिपोर्ट अञा बि न पिया। ठीकु आहे, ठीकु आहे। उनजे पोयां तव्हां हिकु बीमार सोच ॿुधायो पिया, त या त फैमिलीज़ शर्म महसूसु कनि थियूं, पर असां बि इन वधीक इन सोच ते ई ॻाल्हाइणु चाहींदासीं। ॿियो, कानून जो एक्सेस जेको आहे उन हवाले सां अवेयरनेस एतिरी घटि छो आहे, उन ते बि असां जेको आहे ज़मीर साहिब तरफ़ हलूं था, उन ते असां वधीक डिस्कशन कंदासीं। पोइ विक्टिम ब्लेमिंग ऐं ॿियो असांजी छोकिरियुनि, नियाणियुनि, औरतुनि जा जेके हक़ आहिनि उन्हनि बाबति बि अवेयरनेस तमामु घणी घटि आहे, या त छा करणु खपे? ज़मीर साहिब, तव्हां छा चवंदा? फर्ज़ इहो आहे त जीअं तव्हां इहो टॉपिक जे हवाले सां ॾिठो हुयो त हिते जेतिरे क़दुरु केसिस थियनि था ओतिरा रिपोर्ट कोन था पिया थियनि, ऐं उनजी वजह इहो बि आहे त हिकु जेकी बीमार सोच अवां ज़िक्र कयो, जेके इन शइ खे हमेशह छुपाए ऐं इहो सम्झनि था त इहो जेको आहे सो असांजे ख़ानदान जे या छोकिरी जे जेको आहे फ्यूचर जे लाइ हिकिड़ो सुवालु उथंदो, जंहिंखे असीं छुपाए करे उन ते हू कंप्रोमाइज़ था कनि। ऐं कानूनी तौर ते असां वटि सभ खां वॾे में वॾी इहा जेको आहे सो ॾिठो वियो आहे त अवेयरनेस न आहे। सही ॻाल्हि आहे। ऐं कानून ताईं हिकु अवेयरनेस न हुजण जे करे कानून ताईं रसाई बि हासिलु न आहे, ऐं जंहिं माण्हूअ खे कानून ताईं रसाई न आहे त उहो माण्हू छा थो करे, या त बिरादरी सिस्टम में थो वञे या उन ते चुप करे वेही थो रहे। नतीजतन जेके इहे रिपोर्टेड केसिस आहिनि, या त पोइ मंतकी अंजाब ते इन जे करे बि नथा वञनि, या त उन में कंप्लेनेंट साइड वारा जेके विक्टम साइड आहे उहा ख़ामोश थी वञे, या कंप्रोमाइज़ जेको बिरादरी सिस्टम आहे उन जे करे, ऐं कानून जो इन में एक्टिव हुजणु जेको खपंदो आहे उहो कोन्हे।
अच्छा प्रोसिक्यूशन जेकी असांजी आहे जेके अच्छा हिते थोरो साबित जी क्लियर कंदा हलूं त यानी कानून जे तरफ़ा में कान कोताहियूं ऐं खोट ज़रूरु मौजूदु आहे। सोसाइटी जेकी हूंदी आहे उहा तॾहिं ई बैलेंस थींदी आहे, इक्वल राइट्स ते हूंदी आहे जिथे कानून जेको आहे मौजूदु हूंदो आहे। हिते जेको कानून आहे बि उहो जेकॾहिं एग्ज़िस्ट बि करे थो त माण्हुनि खे हुनजी ख़बर कान्हे। सही, उन्हनि ताईं असांजी हाणे ॾिसजे त एजुकेशन असांजी अहिड़ी आहे जंहिंमें असीं कंहिं बि क़िस्म जो सोशल राइट्स ते, ह्यूमन राइट्स ते, या जेके असांजा इंसानी समाजी ज़िंदगी जा जेके क्राइम वाबस्ता आहिनि उन्हनि जी असीं बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक तालीम ई कोन था ॾियूं। नतीजतन माण्हू अॻिते हली इहो ई था चवनि बाबा छा थींदो, कुझु कोन थींदो, लिहाज़ा हिन खे शइ खे न रिपोर्ट कयो, छुपाए छॾियो या कंप्रोमाइज़ कयो। सो मां इहो इन ज़मीन में ज़रूरु चवंदुसि त जेकॾहिं को कानून आहे बि त उनजी प्रोसिक्यूशन साइड एतिरी वीक आहे जंहिंजे करे अदालतुनि में उहे केस तव्हां ॾिसो त 15-20% जेको आहे कन्विक्शन जे तरफ़ वञनि था, अदरवाइज़ उहे ईअं ई थी था वञनि। कन्विक्शन बि स्लो आहे, पर विच में आउं ॿुधो हुयो कुझु लॉयर्स जे तरफ़ां उन्हनि मूंसां शेयर कयो त कन्विक्शन असांजी बहितर थींदी वञे पई। अर्ज़ु इहो आहे त लाज़मी आहे जीअं हाणे जंहिं रफ़्तार सां इहो केस रिपोर्ट था थियनि ऐं जेको आहे सो जीअं मेयर साहिबु आहे चयो त हर 2 घंटे खां पोइ हिकिड़ो केस जो रिपोर्ट थो थिए पियो, त इहो हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे। उन ते जेकॾहिं के बि कानूनदान या प्रोसिक्यूशन वारा जेकॾहिं इन ते इफेक्टिव रोल वठंदा इहा सुठी ॻाल्हि आहे, पर उन हिसाब सां नाहे। जेकॾहिं तव्हां महज़िब सोसाइटी में वञो, यूरोप में वञो, उनजो जेको कानूनी जेको प्रोसिक्यूशन आहे उहा एतिरी इफेक्टिव आहे जो उते को कन्विक्शन खां पोइ ॿियो माण्हू जे लाइ हिकिड़ो मैसेज थो पियो वञे त बाबा जेकॾहिं असीं इहो कमु कंदासीं त अहिड़ी सज़ा असांजी बि मुंतज़िर आहे। पर असां वटि छा आहे त सालनि जा साल लॻी था वञनि ऐं उन में तेसि ताईं उहे माण्हू जेके आहिनि जेके ज़ालिम आहिनि उहे घुमंदा था वठनि। ऐं ॿियो प्रोसिक्यूशन जो सभ खां वॾे में वॾी इहा फेल्यूर आहे त हिते छा आहे त जेसि ताईं केस जेको आहे प्रोसिक्यूशन प्रूव कर तेसि ताईं बेल ते उहो वेठा आहिनि, घुमनि फिरनि था पिया। पोइ उनखां पोइ इहो परसेप्शन थो अचे जंहिं सोसाइटी में इहो वाक़ियो थियो आहे, जंहिं घर जी उहा विक्टम थी आहे, उन ई माहौल में उहे माण्हू उथनि वेहनि था, उन्हनि ते का बि क़िस्म जी कानूनी ग्रिप कान्हे का। नतीजतन इहा शइ जेकी आहे ॾाढी मायूस कोन ठीकु आहे। हिते अवेयरनेस जो बि फुक़दान आहे, आगाहीअ जो बि फुक़दान आहे ऐं घरो घर त तव्हां कानून जे हवाले सां उते प्रोसिक्यूशन केतिरी वीक आहे ऐं कन्विक्शन जो रेशो बि तव्हां ॿुधायो त केतिरो वीक आहे, या जंहिं रफ़्तार सां रिपोर्ट थियनि था त थोरो घणो चई सघजे थो त बेहतर थींदो वञे, पर सॉल्यूशन उहो न आहे। अर्ज़ु इहो आहे न त जेकी शइ सोसाइटी में जेको इशू सोसाइटी में उभरंदो आहे ऐं उन ते जीअं हाणे अवां ही KTN जे तरफ़ां मुंहिंजो ख़्यालु आहे काफ़ी अहिड़ा प्रोग्राम थिया आहिनि, ॿिया फोरम बि आहिनि मीडिया खां हटी करे, जीअं मेयर साहिबु जी फील्ड आहे, मारवी साहिब जी फील्ड आहे, त इहे आवाज़ जॾहिं उथंदा आहिनि न त इन्हनि आवाज़नि खे दॿाइणु जेको आहे सो मुमकिन कोन्हे। नतीजनि सिस्टम, अदालतूं या जेके बि लॉ एनफोर्समेंट आहे उहे अच्छा। हिते हिकु ॿियो सवाल तव्हां खां करणु चाहींदसि, छो त जीअं तव्हां बि फरमायो सां इन शइ ते इन वाकिया जॾहिं थियनि था एजेंसी ॾाढाइनि जा या अहिड़ा क़िस्म जा रिपोर्ट थियनि था त असां प्रोग्राम्स कयूं पिया। अच्छा, हिते हिकु शइ अचे थी त जॾहिं अहिड़ो को वाक़ियो पेश अचे थो, तव्हां टिनी महिमाननि खां सवाल आहे, वन बाए वन तव्हां जवाबु ॾिजो, आप तीनों महिमानो से है ऐं उर्दू में करे वठां थी मेहर साहिबा जे करे बि, त विक्टिम जी आइडेंटिटी जेको आहे यानी मुतासिर थियल जेको शख़्स आहे जंहिंसां को अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो पेश अचे थो, त उनजी शनाख़्त खे, उसकी शनाख्त को प्रोटेक्ट करना कितना लाज़मी है। हम फ़ौरन से इसमें, बल्कि मीडिया पे भी बात आ जाती है, आपसे शुरुआत कर लेते हैं कि मीडिया इस चीज़ में आपको कैसे नज़र आती है, या ओवरऑल हम यू नो विक्टिम की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कैसे करें और करना भी चाहिए, इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि मीडिया के अंदर जेंडर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें ये के जो केसेस होते हैं उसमें विक्टिम की आइडेंटिटी या सर्वाइवर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है इस माशरे में और हर माशरे में, इज़ बिकॉज हम लोग वैसे ही सोसाइटी में खातून को ब्लेम करने के लिए रेडी रहते हैं। सही, कि वो वहाँ क्यों गई थी, उसने ये क्यों पहना हुआ था, और ये इसके साथ क्यों थी, और वो इतनी रात क्या कर रही थी, इतनी सुबह क्या कर रही थी, वो काम पर क्यों जाती थी, तो ये सारी जो है ना हमारे पास सवाल रेडी रहते हैं वैसे ही। तो अगर हमें उसकी शनाख्त पता चल जाए तो वो फिर डायरेक्ट उसकी तरफ होते हैं, उसके खानदान की तरफ उंगली होते उठना हैं। और आसान हो जाता है। एग्जैक्टली, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा एक मीडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है देखें कि कसूर किसका है, और सर्वाइवर के ऊपर वैसी ही क्या गुजर रही होगी, या विक्टिम के फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी, और आप उस हिसाब से उस टॉपिक को ट्रीट करें। ये नहीं कि आप
चस्के लेने के लिए वहां पे आ जाएं और अपने माइक और कैमरे उनके मुंह पे डाल रहे हों और वैसे उनको ज्यादा ट्रॉमेटाइज करें। अगर इस तरह का कोई केस निकल आता है तो बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं या वेब टीवीज हैं जो कि ऐसे एक्टिव हो जाती हैं, तब अपने व्यूअरशिप के लिए कि भाई अगर ये केस जो है वो ट्रेंडिंग में है तो हम इसी को जो है सबसे ज्यादा इसको कवरेज देंगे। मालवी तवाखा भी यही सवाल करना चाहिंदस तो विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज न करण केतरो जरूरी है, इन सा नुकसान केड़ा उनकी साख के पहुंची सकन था, तहां पे कम कयो थियो ता जो वसी तजुर्बो है हवाले सा खोड़ा केसेस तवारे सोती छा चंगा लैला तमाम घणो जरूरी आहे आए असा दिसु प्या के हियर थोड़ो असा के फील थे पियो के मीडिया के मा जरूर सराहन चाहिंदम के काफी रिस्पांसिबिलिटी जो मुजाहिरो कन ता आई विक्टिम जी आइडेंटिटी के एकदम सामू नथा आणा ने उन जी एग्जांपल असा वट जेको मोटरवे वारो केस आ अन्या ताई के खबर कोने के वा लेडी केर हुई आई उनकी फैमिली केर हुई आई छा आई वो केस इन तरीके सा बुधायो पे वने उनजो अग्या सजो हले पियो। अच्छा जरूरी इन लाइ आहे छो जो असा ये दिसू ता कि जडे हिकड़ी औरत सा हिकड़ो जो वाक्यो थे तो आई असा दी हिकड़ी मेंटालिटी सोसाइटी जी सिक का आई जडे इन मामले जे बारे में सबनी के खबर थी पए तो वो अन्या वधिक वल्नरेबल पोजीशन में अची थी वने अलोंग विथ हर फैमिली आई को फैमिली जे मथा जेको प्रेशर तो अचे जेकी उनन के महसूस तो थे कि असानी इंसल्ट पई थे हर को असा के टारगेट तो करे तो इन जो केस ते तमाम खराब असर पई पियो जो जो केस के पो हो बैक ऑफ थियण जी कोशिश था कन आई बी गाल आई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी केंजी आ मीडिया जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ केस जेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आईओज आहिन उनन जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ कंसर्निंग जेके मेडिकल उन लेडी जो कन था उनन जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ कोर्ट में जेके प्रोसीडिंग्स थियन थी उनन जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ एंड जेके भी सोशल एक्टिविस्ट उन लाइ आवाज खणन था सोशल मीडिया ते उनन जी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ है। हाँ सोशल मीडिया बाकी जेके चैनल मा इते मेंशन किया है सबनी के मथा एकड़ो चेक एंड बैलेंस आहे यानी उनन के असा ट्रेनिंग्स दे सकू था एवरीथिंग, लेकिन सोशल मीडिया जो एकड़ो एड़ो चैनल आहे जेको तमाम घणो चैलेंजिंग तो थे इन डिजिटल स्पेस में केंजी भी इंफॉर्मेशन केंजी भी आइडेंटिटी आसानी सा रिवील थी वने उन जी वजह सा जेके विक्टिम्स उनन के तमाम घणी दुखियाई थी थे पंहिंजे केसेस के पंहिंजी आइडेंटिटी के लिकाए करे बेहतर तरीके सा हलण जी इते असानी सदी आवाम यो समझे थी कि अगर कंहिंसां को यू चवंदी कि वाई वी आर सेइंग जस्टिस फॉर ज़ैनब एंड जस्टिस फॉर लेडी असके एक्यूज़ जो नालो बिल्कुल यही पॉइंट असि रेज करब चाहियो पया त छो असा केतरो ज़ाहिर बाबा हन कयो आ इन जी प्रॉपर तहां इन्वेस्टिगेशन कयो चाहे उन के प्रॉपर सजा मिले उन जे यानी सफर हाने का पो भी असा जी बेठी विक्टिम सफर करे रेप का पो भी विक्टिम जी फैमिली सफर करे छो जो वी आर फेल टू प्रोटेक्ट हर आइडेंटिटी इतने सफर तो उनके करण खपे जिनकी वजह से ऑलरेडी शी इज सफरिंग अ लॉट सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट एंड वी नीड टू चेंज अवर स्टाइल और प्रैक्टिस ऑफ आस्किंग फॉर द जस्टिस असांखे ज़रूरत आहे सॉरी तव्हांजो अंग्रेजी जो इस्तेमालु नाहे करिणो बीमार ज़हानत न हूंदी आहे माण्हुनि जे इज़त ऐं माण्हुनि जे तकद्दुस जो को हिकिड़ो वैल्यू हूंदो आहे जिथे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न हूंदी आहे हिन सोसाइटी में इहा शइ करणु जीअं चवंदा आहिनि त माना असीं सिंधीअ में हिकिड़ो चवंदा आहिनि त अञा जेको आहे सो तेल छिड़काइण जे बराबरि थी थो वञे त हिकिड़ो ऑलरेडी जेको आहे सो इफेक्ट ई थियो आहे वरी उनखे तव्हां इहा ज़ाहिर करे सोसाइटी वारनि खे अहिड़ो मौक़ो था ॾियो हिन बीमार सोसाइटी जा माण्हू जेके इन शइ खे ॾिसनि था ऐं उहा पोइ ईअं थो थिए त जेको आहे सो उन लाइ डबल सूर आहे पोइ हू माण्हू उन केस जी उन कारवाई जी पैरवी कोन था कनि नतीजतन छा थो थिए त उहे बि केस या उहे बि जेको मामला रोलहड़े जो शिकार थी था वञनि हूअं ईअं खपे त प्रोसिक्यूशन खे एतिरो मज़बूत हुअणु खपे जीअं हाणे पहिरियों हुयो पहिरियों छा थींदो जे केसिस में अव्हांजी जेको आहे सो एविडेंस हूंदी त बाबा हे विटनेस हुजनि आई विटनेस हुजनि हाणे छा आहे त मेडिकल साइंस एतिरी तरक़ी कई आहे हाणे डी एन ए काफ़ी आहे जॾहिं तव्हां डी एन ए जे ब्याप ते हिकिड़ी सफिशंट एविडेंस बिल्डअप करे सघो था त पोइ आइडेंटिटी जी ज़रूरत नाहे उनखे ज़ाहिर करण जी ज़रूरत नाहे मुंहिंजो ख़्याल आहे त इन ते का कानून साज़ी हुअणु खपे बाबा इन 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 वारे केस में क
कम अज़ कम जेको आहे जेकी कंप्लेनेंट आहे उनखे जेको आहे इस्तसना हुजे प्रोटेक्शन मिले ऐं उनजे बिहाफ ते जेको आहे सो प्रोसिक्यूशन जेको आहे सो उहो केस सही नमूने सां प्लीट करे सघे। ठीक है। अच्छा हाँ बियो सवाल जी बियो सवाल मुझो शायद मुझे जहन में हली वे मां वरी जेको आहे पेन मेहमान की तरफ वजा थी सवाल याद आया तो जरूर तमा का पूछी वंदस हो खैर तमाम इम्पोर्टेंट ही। अच्छा मेहर हमारे यहाँ जैसे हम बात करें कि कानून के हवाले से भी बड़ा हम लोग ऑब्लिवियस हैं, इतना ज़्यादा पता है नहीं है, ठीक है, और कानून में जो कोताहियाँ हैं उन पर खैर हम लोग वो तो बात की बात है। हमारी जो खवातीन हैं उनके हुकूक क्या हैं, मतलब अगर कंसाइजली हम लोग बोलें, या वो कितना इस चीज़ के बारे में अवेयर है? यानी अब जैसे अब थोड़ी देर पहले हम हरासमेंट का जिक्र कर रहे थे, आई वाज टेलिंग यू, मैं आपको बता रही थी कि अगर जब इस तरह के वाकयात होते हैं और डिस्कस किए जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो हरासमेंट हो रही है तो उसको बड़ा नॉर्मल समझा जाता है और उस पर बहुत कम एक्शन लेती हैं हमारी खवातीन, क्योंकि शायद उनको पता है कि अगर लेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो अपने राइट्स के हवाले से कितना अवेयर है? राइट्स के हवाले से जितने अवेयर हैं उसका तो आई कांट से कि जनरल पॉपुलेशन कितनी अवेयर है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम लोग हरासमेंट जैसी चीज़ को अगर लेकर जाएंगे FIR कटवाने के लिए तो उसकी क्या एविडेंस होगी कि मैं किस तरह बताऊंगी कि किसी ने मुझे गलत तरीके से देखा है या छुआ है या कुछ बोला है? वो तो मैं हर वक्त तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही होती, तो वो आगे वाला मेरी बात माने या ना माने, आई थिंक उसी बात से हम लोग इतना डर जाते हैं कि टू हैव टू प्रूव कि हमारे साथ ये हुआ है फिर से बार बार, तो वो ही हमें अच्छा खासा इस चीज़ से पीछे कर देता है कि हम इस चीज़ को इवन रिपोर्ट करें। और दूसरा बात है कि जो ख़वातीन अपने हकूक जानती हैं, इवन अगर आप देख लें कि जो वर्किंग क्लास से ऊपर हैं, मिडिल क्लास एट्सेट्रा, उनको वर्क प्लेस हैरेसमेंट का पता है या उनके काम पे HR है सही। या उनका जो इदारा है वो उनको बता रहा है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ इस तरह कुछ हुआ तो हम हैं यहाँ पे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे ना सही। हमारे स्कूलों में ऐसे है ना हमारे ऑफिस में ऐसे है और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अगर है भी तो सिर्फ नाम की चीज़ है। तो अगर लोग जानते नहीं हैं अपने हकूक तो उनको पता है कि एक्चुअली में कोई फैसिलिटी रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट ना निकल। तो जमीर साहब हाँ मुझे सवाल भी नहीं हवाले से हो तो अड़न केसेस के साबित करण तमाम मुश्किल है जी मेहर चवे पे हाँ हर वक्त अगर जी हरासमेंट ती असि गाले था वो तो हर वक्त छोकरी या छोकरे से जैसे थे थी तो पा सा मोबाइल तो खड़ी को घुमंद या उतने फॉरन से रिकॉर्ड न कर सकता। हाँ अर्ज यो है तो हरासमेंट के वाक्य प्रूव करो वो मुश्किल है। अस कुछ लॉ में अड़ी डेवलपमेंट्स थी खास तौर पर फैमिली लॉज में जैमें दिठो वने तो वो जो डेवलपमेंट वो सिलसिलो अगर इन केसिस में भी थे तो उनका रिजल्ट्स तमाम बेहतर अची सकन था। हाँ फैमिली लॉज में शायद तो उनमें जैसे का खुला के लिए वने थी क्लेमेंट है तो ही ही मुझो सामान हुयो ही ही टर्म्स कंडीशंस हुआ इन जो डिवोर्स दिनी है या न दिनी है उनकी एविडेंस ही सफिशंट है उनके ही फाइनल जो स्टेटस हासिल है। तो इन हरासमेंट वाले केसिस में भी ये होने खपे तो मजिस्ट्रेट वट जदें भी ट्रायल थे तो उन औरत जी जेकी एविडेंस आ उनको स्टेटमेंट ही काफ़ी होने खपे। जैसे इसो हाँ असट इे तो कें भी मानू हर शे कम्प्रोमाइज करे तो वे पर सेल्फ रिस्पेक्ट ते इज्जत नफ्स से कदें भी कंप्रोमाइज़ न कर जो मू इे खड़ी पान के बुधाए तो मूसा ही वाक्य थो आया इस इंसानी अखलाकियात उन शे के एप्रिशिएट करे तो लाजमी इन मूस यो थ अदरवाइज केर जो इज्जत के ये उछाली लिहाजा उनको यो स्टेटमेंट आ या उनकी कंप्लेनेंट आ या उ अची कर जो बयान रिकॉर्ड थी कराए मुझे ख्याल कानूनी तौर पर यो सफिशेंट होन खपे। जी फैमिली लॉज में अवे बुधा तो यहाँ डेवलपमेंट थी डेवलपमेंट इन मामले वाले केसिस में हरासमेंट वाले में भी ई हो फैमिली लॉज में डेवलपमेंट रिपीट कर वो फैमिली लॉज में तो पैरों जी असा शादी जहाँ सिलसिला था उनमें तो बबा एक डायवोर्स दिनी अथई हाँ नो हो या हू चव तो मां न दिनी आरत चवी दिनी आ कोर्टन में केस इंद एविडेंस चवंदा हाँ उनमें डेवलपमेंट इं थी वही है तो बबा जैसे औरत इन शे के एडमिट थी करे तो मुख्य डायवोर्स दिनी अथई लाजमी गाल मर्द भली डिनाल दे एक्सेप्टेबल आ डावरी आर्टिकल्स वगैरह
या मेंटेनेंस जहाँ मामला है उन में जैसे मर्द क्लेमेंट आ मां वटी ये शूं डावरी आर्टिकल्स ना हैं या जो मेंटेनेंस दींदो आया औरत चेती न मुख्य मेंटेनेंस न मिली आको डावरी आर्टिकल्स जो है मुख्य न दिना तो उनो इो स्टेटमेंट आ उनकी या जी जाती एविडेंस आ जाती बयान वह सफिशेंट आ तो मां इो तो चवान तो इन केसिस में भी हरासमेंट वारे में भी ये मामला इं तरीके से ला दिसे तो उन्होंने जै मू जो विक्टम आको इफेक्ट या जैसा यह शे थी वो पाजी इज्जत नफ्स के बचाने के लिए जे कदे इन शे ते आयो नाउ तो हैरेसमेंट वाला केसेस भी जने कोर्ट जी तरफ विंदा है तो उनन के कई खोड़ साल जे को लगी विंदा है निपटाण में मारवी ता का भी सागे या सवाल करन चाहिंदस ता वट एड़ा केसेस अचन था ता वट जने के औरतू न सिर्फ हैरेसमेंट जी पेरु तयो ही सवाल पड़स छा हैरेसमेंट जी कंप्लेन खणी करे भी तहां दे औरतू अचन थी तो उन्हें कोई हिरासा करे तो नंबर वन आई नंबर टू तहां जी ही आऊं सवाल पूछो त इन एड़न केसेस के साबित करण तमाम दुख्यो आहे त तहां उन्हें औरतन जो पेंजे विमेन प्रोटेक्शन सेंटर में किए उन्हें जी मदद कयो था किए फैसिलिटेट कयो था। अच्छा लैला तहां जो जो सवाल हो मां बिल्कुल पांजे रिस्पेक्टेबल असंदे के पैनलिस्ट उन्हें के भी बुधा पई उन्हें भी दाडी सुठी तरीके से बुधायो दिसो एकरो द वर्क प्लेस हैरेसमेंट आ स्पेसिफिकली उनके लिए असा 2010 जो लॉ है जैमें इंस्टीट्यूशंस भी हैं वर्क प्लेसिस भी हैं असाजी गेस्ट स्पीकर भी वो बुधायो कि कमेटियों थन खपन तमाम इंस्टीट्यूशंस में जेके मौजूद ना हैं यानी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन असा के नजर नथी है कमेटीज के फिट थन खपन अच्छा हाने 2010 जे लॉ जे मुताबिक जेको तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉ आ हर इदारे में कमेटी हुजण लाज़मी आ उने के पान हैरेसमेंट कमेटी ता चाहूं चाहे यूनिवर्सिटी हुजे चाहे को एनजीओ जो इदारो हुजे चाहे को गवर्नमेंट जो इदारो हुजे छो जो उते कम कंदड़ माण्हुनि जी के हैरेसमेंट वर्क प्लेस हैरेसमेंट का प्रोटेक्ट करण जे लाइ 2010 में यो लॉ आयो हो जिनकी अमेंडमेंट्स भी हिंसर रिसेंटली थी हुआ लेकिन अना ती अस डू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन को मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टिट्यूशंस में अना ती ये कमेटियों मौजूद को। अच्छा हाँ अस अचूता इन गाल कि पब्लिक प्लेस हैरेसमेंट केसेस लैला इन यो दुख्यो अव न का औरत अस बुधाए थी कि जी इन रोड से मुख्य को बाइक वो टच कर वो आ न मां उन मानू के दिसी सकियम हेलमेट वगैरह हो न मां इतनी तेजी सा बाइक पई बने कि उन जो नंबर नोट करे सकियम त ता दिसोगे उआ जकी थी आहे पब्लिक हैरेसमेंट उन के की मानू एकदम आइडेंटिफाई करे इट टेक्स टाइम उनमें वक्त लगंदो आ ता एरिया जे सीसीटीवी कैमरास के दिसो उन में ता यू नो ता उआ जकी गुजरी आहे बाइक एंड ऑल वो केंजी हुई किथां जी हुई उन में जकी लोकल पुलिस आ उआ सानी मदद कंदी आ एड़ी गाल ना है कि उन्हें तो रिस्पोंड न थो पब्लिक हैरेसमेंट में ऐसा जो औरतों लोकल पुलिस का मदद वटी सकन थियो जी बिल्कुल अच्छा तो लोकल पुलिस ऑब्वियसली जे इलाके में यो थियो आ उन इलाके में जकी गाडियों वन मानू वन एंड ऑल द ट्रैफिक पुलिस वारा एंड मानू के अक्सर खबर हुंदी आ तो प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन कई थी वने तो जरूर उन पे रिस्पोंड थे तो बट अगेन इया गाल आहे के हैरेसमेंट के ता एकदम रिकॉर्ड नथा करे सगो सो जो असांजी जेकी विक्टिम्स आहेन वे उन वक्त उन कंडीशन में ही न हुंदियूं आन वो इतरो नम हुंदियूं आन इतरे ट्रॉमा में हली वेनियूं आन उनन के समझ में नहीं दुआ के उन वक्त छा कयो वने पर स्टिल उनन के रिपोर्ट करण खपे ताकि इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस हले छो जो इन्वेस्टिगेशन जेस ताई न थींदी उए मानू ठीक है ते जमीन साहब कुछ ऐड करण चाहिन पया जी जमीन साहब मारवी साहब जी जेके मोड ऑफ जेको आसो बुधाया त ही अस मोड आन जैसे ब्याप से ही शो आसो लोकेट थी सगन थी या ट्रेस आउट थी सगन थी वरी भी अवान के तवसो से यो ही चवंदस तो इफेक्ट ही है जी लेडीज जी इन शे कंप्लेनेंट उन जो स्टेटमेंट मुझे ख्याल सफिशियंट होने खपे। अच्छा जमीर साहब की गाल के मां बिल्कुल एग्री थी क्या बट जमीर साहब दिस शुड बी यू नो यू असा तहां ही मां समझूदा सो जो असा यू सेंसिटाइज असा हते लोकल थाणन जी गाल ता कयूं मोस कर दिसो आनी अर्ज मु जो यो आ त जी फैमिली फैमिली ला जो हवालो दे उन के न बुधाई वेन्यू टिल दे विल नॉट कंसीडर दैट आई इया ही मार भी लोकल पुलिस जी गाल कर रही है त जे के लोकल थाणन में असा वनेऊ था त उते अक्सर करे असा का ये सवाल पूछन ता त दिसो जमी साहब का चार वाली लैला उन के उते ही चयो तो वने के अगर प्रूव ना है त सॉरी यू नो अच्छा ई सेंटेंस थियो ठीक मेजॉरिटी ऑफ द खवातीन असा ठीक ठीक मार
भी इन ही थे जमीन साहब जो बुधी बैठा हूँ तो ताँ की तरफ भी आऊँ चाहती तहाँ भी दुरुस्त गाल कई आई थिंक मारवी भी सही चाहन पे तो लोकल थानन में तो एक औरत के लिए जाना एक औरत के लिए वनण ही जो अलग छा समझो भी अर्ज पे किया पहलू तो जैसे असं इन के बाकी मोड्स में वासी तो अस मॉडलिटीज और फॉर्मेलिटीज पूरी कर में ही टाइम लगी वो ये चक्कर पे लगंदा हाँ जी अवां के बुधा तो जो अदालती निज़ाम आ असो वो बिन शे बेस्ड है एक सो जुडिशरी ए बी जो सो लॉ एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट ए जुडिशरी ये बई पाण में तद जद एक एक पेज से हूँ तो कोई जो सो इंसाफ मिली सक हाँ पुलिस जी जो डायरेक्ट वजे तो पुलिस में तो वह पुलिस भी लाजमी है एक असो कानून के लॉ एनफोर्समेंट जो हिस्सों तो उनके भी ये जैसे कानून ठहन तो लाजमी जैसे वह औरत उत पहुंची तो वो कानून के पेराहे में पुलिस वो उनका ये बी जो फॉर्मेलिटीज न पुछ ला जैसे मौजूद होंद फैसला अड़ा अदालत ज मौजूद हों ला के हिसाब से जी हां डैडी आइडियल सिचुएशन बुधाए हाँ, पर असल बिल्कुल जानता कि इया थे सिचुएशन डैडी उलट आ रहा थाणन वगैरह जी अच्छा एकड़ी शय ते मां लैला चवन जी मां भी क्विकली कजो टाइम सफा घटा है असवट जी बिल्कुल हैरेसमेंट जडे थींदी आ गलियन में यू नो घिटियन में बारन सगड आई वो रिपोर्ट अनरिपोर्टेड रह जी रेंदी आ तो उई हैरेसर थी ना तो इन गाल की असा के समझण खपे किस्मेंट के उन इनिशियल स्टेज ते ही रिपोर्ट थन केतरो जरूरी आ न त हौसला वधना मैं आपको चेक करना चाहती हूं एंड चीज़ बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड थी और बस आई थिंक कि ये माइंडसेट चेंज करने की बात है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं जो मीडिया वाले हैं जो डॉक्टर्स हैं जो टीचर्स हैं पेरेंट्स हैं उन सबको एक चीज़ इंस्टिल करनी है अपने दोनों बच्चों के अंदर कि आप दोनों इक्वल हैं सब बिल्कुल सही गाल है असि ये नाजीन मुआशरो ठाईंदा आयो जी मेहर गाल कई तो सभी जो किरदार इन में अचे तो कोशिश कई से तो जो मुतासिर शख्स या फर्द छोकरो छोकरी आए जैसा ये सब कुछ थिए तो उनकी आइडेंटिटी के डिस्क्लोज न करण खपे उनकी शनाख्त की प्रोटेक्शन असें करण खपे जैमें जाहिर सब का स्क्रीन से वेठा उन्होंने जिम्मेदारी वध खां वध अचे थी सो तमाम टिनी मेहमानन की वही मेहरबानी ती टई मेहमान असा गड हुआ एडो जो है ब्रिलियंटली इन शयन के पॉइंट आउट कर पर जी मारवी भी बुधाए पई तो लोकल थाने की सूरत हाल असा सभी के खबर आए तो केतरी खतरनाक होंगी है एक औरत तो सोचे भी कोई सके कें लोकल थाने ते वनी करे कंप्लेन करण जो सो बहरहाल माइंडसेट के जो है तब्दील थियण खपंदो असांजी हुकूमतन के भी इन शय जो साथ दियण पवंदो जे मूँ पैं आवाज़ उथारन था जो पाँच पान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हलराइन था तो उन्हें आवाज़ लाजमी जो है नाजीन जेस ताईं उथारींदा रहंदा उतेस ताईं ॿुधंदी वेंदी सॼो कमु आहे ई दरअसल आवाज़ जो त आवाज़ उथारींदव त ज़ाहिर आहे ॿुधियो बि ज़रूरु वेंदो सो अला साईं हर नियाणी जी इज़त जेको आहे महफ़ूज़ करे पंहिंजे नियाणियुनि खे सपोर्ट कयो प्रोग्राम जो के असीं जो टाइम पूरो थी चुको आहे मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा अलाह हाफ़िज़।